हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रियलमी ने अपने यहाँ पे रियलमी जी टी यहाँ पे सीरीज़ यहाँ पे लॉन्च की थी। तो इसमें हमको बेसिकली यहाँ पे तीन फ़ोन देखने को मिले थे, और तीनों ही फ़ोन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ में आते हैं। लेकिन यहाँ पे आज हम रियलमी जी टी न्यू टू के बारे में बात करेंगे, जो कि इस वाली सीरीज़ का यहाँ पे जो जो मिडिल मॉडल है, इसके बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे याला जो फ़ोन है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर के साथ में आता है। जैसे कि आपको इसमें जो प्रोसेसर है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल जाता है। बाकी जो कैमरा और जो डिस्प्ले वो तो आपको ठीक देखने को मिलता ही है। अगर यहाँ पे इसको कंपेयर करें वीवो S60 के साथ, तो यहाँ पे ये भी फोन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर के साथ में आता है। और लेकिन दोस्तों, आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वीवो की X70 सीरीज़ यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ पे वीवो के X60 के बारे में मैं यहाँ पे क्यों बात कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ। देखिए, वीवो ने अपने यहाँ पे X70 सीरीज़ यहाँ पे लॉन्च करी है, लेकिन यहाँ पे जो इसका बेस मॉडल है, यानी कि जो वीवो X70 जो होना चाहिए था वाला लॉन्च नहीं किया है। इसलिए यहाँ पे वीवो X60 यहाँ पे मैं इस वीडियो में मैंने यहाँ पे वीवो X60 को मैंने यहाँ पे चूज़ किया है। लेकिन यहाँ पे याले फोन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर के साथ में आता है। तो आज हम बेसिकली यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे कंप्लीट क्लियर कंपैरिजन रिव्यू करने वाले। तो दोस्तों, बेसिकली आपको यहाँ पे रियलमी जी टी न्यू टू में आपको यहाँ पे तीन कलर देखने को मिल जाते हैं। ये जो न्यू ग्रीन है, ये एक स्पेशल कलर है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी आपको यहाँ पे दो कलर देखने को मिल जाते हैं, न्यू ब्लू और यहाँ पे न्यू ब्लैक। और वीवो में आपको यहाँ पे दो ही कलर देखने को मिलते हैं, एक यहाँ पे शिमर ब्लू और एक यहाँ पे मिडनाइट ब्लैक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें फिजिकल ओवरव्यू की, तो देखिए यहाँ पे जो रियलमी में जो स्पेशल कलर है इसमें, देखिए खाली स्पेशल खाली ऐसे है कि यहाँ पे आपको दो और एक्स्ट्रा स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे ब्लैक कलर की है और यहाँ पे ये ग्लॉसी फिनिश के साथ में आती है दोनों स्ट्रिप। और देखिए, ये जो मोटी वाली जो स्ट्रिप है इसमें आपको रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे जो पतली वाली जो स्ट्रिप है उसमें आपको यहाँ पे डेयर टू लीव की यहाँ पे छोटी छोटी आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। बस खाली इतना ही फर्क है, बाकी यहाँ पे आपको सब कुछ सेम देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको इसमें दोनों ही में ग्लास बैक देखने को मिल जाता है, मैटी फिनिश के साथ में आता है, ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा, कर्व एजेस के साथ साथ आपको यहाँ पे इसमें प्लास्टिक के फ्रेम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बस खाली इतना ही खाली फर्क है। बाकी यहाँ पे अगर वीवो की बात करें, तो इसमें आपको AG यानी एंटी ग्लेयर मैटी फिनिश आपको यहाँ पे इसमें डिजाइन देखने को मिल जाती है, और इसमें भी आपको यहाँ पे ट्रिपल यानी कि तीन कैमरे का आपको इसमें सेटअप देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो कैमरा मॉड्यूल है आता है जाइस की ब्रांडिंग के साथ में, और वही जगह यहाँ पे इसमें भी आपको यहाँ पे कर्व एजेस के साथ साथ आपको इसमें प्लास्टिक के फ्रेम देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे बात करें थिकनेस और वेट की, तो यहाँ पे जो रियलमी में जो थिकनेस है वो आपको यहाँ पे 8.6 mm की देखने को मिल जाती है, यानी कि फोन थोड़ा सा मोटा होगा। और वीवो के फोन यहाँ पे जनरली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लिम और ट्रिम होते हैं, तो इसमें आपको थिकनेस काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल जाएगी, 7.4 mm की देखने को मिल जाती है। बाकी वेट के मामले में रियलमी का थोड़ा सा ज़्यादा है, 200 ग्राम के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। वीवो में आपको यहाँ पे 177 ग्राम का देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे बात करें इन द बॉक्स कंटेंट की, तो इन द बॉक्स में आपको बेसिकली यहाँ पे दोनों में बैक कवर देखने को मिल जाता है। रियलमी में आपको यहाँ पे 65 वॉट का एक सुपर फास्ट चार्जर इन द बॉक्स में मिल जाएगा, वीवो में आपको सिर्फ 33 वॉट का चार्जर इन द बॉक्स में मिलेगा। ईयरफोन्स आपको यहाँ पे रियलमी में देखने को नहीं मिलते, वीवो में आपको यहाँ पे ईयरफोन्स के साथ साथ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल की जाती है। बाकी आपको दोनों में स्क्रीन गार्ड देखने को मिल जाएगा, USB टाइप सी वाली आपको चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे दोनों ही फोन में आपको यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं मिलती है, लेकिन वीवो ने यहाँ पे 3.5 mm टू टाइप सी वाला जो एडाप्टर जो होता है वो आपको यहाँ पे इन द बॉक्स में ही दे दिया है, तो आपको ये अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन रियलमी में आपको यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा। बाकी सिम ट्रे इजेक्टर पिन आपको यहाँ पे दोनों में देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पे बात करें बैटरीज की, तो यहाँ पे आपको रियलमी में जो बैटरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही, इसलिए यहाँ पे फोन का जो थिकनेस और वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा था। तो आपको यहाँ पे 5000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिल जाती है, और वीवो में आपको बेसिकली यहाँ पे 4300 mAh की यहाँ पे बैटरी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जो रियलमी में जो चार्जिंग टाइम था वो ऑफिशियली मेंशन था कि यहाँ पे ये फोन सिर्फ 36 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, और वीवो में यहाँ पे ऑफिशियली मेंशन नहीं किया गया था। मेरे हिसाब से यहाँ पे ये फोन 1 घंटे या तो उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे फुल चार्ज हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे बात करें यहाँ पे कैमराज की, तो बेसिकली आपको यहाँ पे रियलमी में 64 MP का एक हाईर रेजोलूशन वाला आपको मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि आता है सैमसंग के सेंसर के साथ में। और बाकी वीवो में आपको यहाँ पे 48 MP का मेन कैमरा मिलता है, जो कि आता है सोनी IMX590 वाले सेंसर के साथ में। लेकिन जो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे इसमें आपको OIS देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो जिसके थ्रू जब आप यहाँ पे वीडियो जब आप यहाँ पे शूट करेंगे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके यहाँ पे वीडियो स्टेबल शूट होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी जो कैमरे से रिलेटेड जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे रियलमी में 8 MP का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, जो कि आता है 119 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू के साथ में। बाकी यहाँ पे वीवो में आपको 13 MP का यहाँ पे अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, जो कि आता है 120 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू के साथ में। बाकी इसी में यहाँ पे मैक्रो कैमरा भी इनबुट किया गया है, तो आप यहाँ पे इसी कैमरे से मैक्रो शॉट भी निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे रियलमी में हमको यहाँ पे 2 MP का मैक्रो एक और मिल जाता है, जो कि एक तरह का यूजलेस है, बस खाली लुक एंड डिजाइन में खाली काम आता है। और वही जगह यहाँ पे वीवो में आपको यहाँ पे 13 MP का डेप्थ यानी कि पोर्ट्रेट लेंस देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो जाती है। बाकी वीडियो शूट आप दोनों में 4K तक ही कर पाएंगे। अगर यहाँ पे बात करें यहाँ पे सेल्फी कैमरे की, तो रियलमी में आपको यहाँ पे 16 MP की सेल्फी मिलती है, जो कि आता है सोनी के सेंसर के साथ में। बाकी यहाँ पे वीवो में आपको यहाँ पे 32 MP की सेल्फी मिल जाती है। वीडियो शूट हम दोनों में सिर्फ फुल HD तक ही कर पाएंगे। अगर यहाँ पे बात करें डिस्प्ले की, तो बेसिकली आपको यहाँ पे दोनों में डिस्प्ले काफ़ी बड़ा देखने मिल रहा है। रियलमी में आपको 6.62 इंच का मिल जाता है, वीवो में आपको यहाँ पे 6.56 इंच का मिल जाता है। दोनों ही फुल HD हैं, AMOLED हैं,
रियलमी में आपको यहाँ पे कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोडक्शन मिल जाएगी, वीवो में आपको यहाँ पे स्कॉर्च सेंसेशन यूपी की प्रोडक्शन देखने मिल जाएगी, लेकिन दोनों में आपको यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का एक हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको देखने मिल जाता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको यहाँ पे 92% से भी ऊपर देखने को मिलेगा, तो स्क्रीन के साइड में काले घेरे जो है वो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे दोनों में प्रोसेसर सेम यूज़ किए गए हैं, आपको दोनों में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 देखने को मिल जाता है, जो कि 7 नैनोमीटर पावर फिनिश ऑक्टा कोर है। ये कंप्लीट यहाँ पे ये गेमिंग फोन भी बन जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर वो काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें कमाल का देखने को मिल जाता है, जिसके अंतिम स्कोर आपको लगभग 7 लाख के करीब देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे बात करें सॉफ्टवेयर की, तो दोनों का सॉफ्टवेयर काफी सही है, रियलमी में आपको यहाँ पे रियलमी का यूआई मिल जाता है 2.0 है, वीवो में आपको यहाँ पे फ्रंट टच ओएस 12 मिल जाएगा, दोनों ही में आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे दोनों में कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन आपको यहाँ पे कई सारे देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो यहाँ पे दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉक आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक आपको देखने को नहीं मिलेगी, जैसे मैंने आपको इन द बॉक्स में आपको यहाँ पे बता दिया था। और ब्लूटूथ वर्जन यहाँ पे आपको बेसिकली दोनों में काफी लेटेस्ट मिल रहा है। सिम ट्रे की बात करें, तो यहाँ पे दोनों में हाइब्रिड नहीं है, दो ही स्लॉट है, एस डी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। 5G दोनों फोन है, और रियलमी में आपको यहाँ पे डुअल यानी कि दो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, बाकी वीवो में आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे बात करें वेरिएंट टेक की, तो यहाँ पे दोनों में यहाँ पे दो दो वेरिएंट मिल जाते हैं, एक है 8 GB रैम वाला, एक है यहाँ पे 12 GB रैम वाला, और प्राइस का कंपेरिजन जो है वो तो आप देख ही पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे पूरे वीडियो को समअप किया जाए, तो बेसिकली यहाँ पे जो वीवो का फोन है उसमें आपको यहाँ पे मेन कैमरा तो मतलब 48 MP का है, वो ठीक है, लेकिन आपको OIS देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिल जाएगी, तो आपके वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल शूट होंगे। बाकी यहाँ पे जो प्रोसेसर है और जो यहाँ पे जो डिस्प्ले है, जो मतलब सुपर एमोलेड के साथ साथ 120 हर्ट्ज़ का जो कॉम्बिनेशन किया गया, जिसके थ्रू आप यहाँ पे गेमिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी कर पाएंगे, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे वीवो का फोन काफ़ी ज़्यादा सही है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक बैलेंस फोन आपको देखने मिल रहा है। और रियलमी की बात करें, तो इसमें आपको यहाँ पे 64 MP का मेन कैमरा तो मिल जाता है, लेकिन OIS नहीं है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाता है। बाकी प्रोसेसर, डिस्प्ले, ये सब कुछ आपको इसमें भी अच्छा देखने को मिलेगा, बस खाली आपको चूज करना है कि आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे योग्य फोन का कंप्लीट कंपेयर रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब।